दोस्तों, यदि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या पीडीएफ फाइल है जिसको आप एडोब रीडर में जिसके सिग्नेचर को वैलिडेट आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक फाइल है जो कि एक मार्कशीट है। इसको मैं यहाँ पर डिजिटल जो सिग्नेचर इसके हैं इनको मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, वैलिडेट करना चाहता हूँ, लेकिन ये एडोब रीडर में वैलिडेट नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा कि जिस एप्लीकेशन को सिर्फ आपको इंस्टॉल करना है, उसमें किसी भी पीडीएफ या किसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ आपको ओपन करना है, वो ऑटोमेटिक उस सिग्नेचर को डिटेक्ट करेगा और उसको ऑटोमेटिक वैलिडेट करेगा। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ कि क्या इसमें ये सिग्नेचर वैलिडेट होते हैं या नहीं होते। यहाँ पर देखिए, मैंने सिग्नेचर प्रॉपर्टीज में क्लिक किया, उसके बाद में शो सर्टिफिकेट। जो प्रोसेस होता है एक सिग्नेचर को वैलिडेट करने का, वो प्रोसेस मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, उसके बाद में यस करना है। यस करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट करना है और यहाँ पर आपको सेव कर देना है। फिर से आपको यहाँ पर यस कर देना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद में ओके, फिर आपको फिनिश कर देना है। उसके बाद में यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट सिग्नेचर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट सिग्नेचर पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में आपको क्लोज पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लोज पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से क्लिक करना है। आप देखेंगे फिर क्लोज करेंगे, फिर क्लिक करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो वैलिडेट हो जाएगा। लेकिन इस एडोब रीडर में ये सिग्नेचर यहाँ पर वैलिडेट नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यदि आपके एडोब रीडर आपके पास इंस्टॉल है और उसमें यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट का सिग्नेचर वैलिडेट नहीं होता है, तब आपको किस एप्लीकेशन का यूज़ करना है सिग्नेचर को वैलिडेट करने के लिए। तो ये फाइल हम यहाँ से बंद कर देते हैं। उसके बाद में एक हमने अभी फाइल ने डाउनलोड की है, उस एप्लीकेशन का नाम है फॉक्सिट रीडर, जो कि नंबर टाप का है। पीडीएफ रीडर को रीड करने के लिए नंबर टाप का एप्लीकेशन है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। फिलहाल मैंने इस फाइल को डाउनलोड कर लिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, दिए हुए लिंक से इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर यस कर देना है। और फाइल का साइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 81 MB का है, तो 81 MB की फाइल है, बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल भी नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर यस करते हैं, यस करने के बाद आपका जो प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेस वो थोड़ा चलता रहेगा। आपको यहाँ पर वेट ही करना है, आपको यहाँ पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इस तरह से आपके पास ये इंस्टॉलेशन विंडो ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नीचे दो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लाइसेंस वगैरह दिखाई गई है, एग्रीमेंट लाइसेंस, तो इसको आपको एक्सेप्ट करना है। ये डिफ़ॉल्ट सेट होता है या एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, यहाँ पर यदि आप डू नॉट कर देते हैं तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो आपको आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद आपको चाहें तो इसका जो डेस्टिनेशन इंस्टॉलेशन फोल्डर है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं ब्राउज पर क्लिक करके। अदरवाइज मैं तो जिस तरह से ये जहाँ पर भी इंस्टॉल होना चाह रहा है सी ड्राइव में, वहीं पर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको ये एक बार फिर से नेक्स्ट पर ही क्लिक करना है और ये सब आप देखते जाइएगा। तो ये आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आपको सिर्फ यस करना है और इसको इंस्टॉल कर देना है। जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइलें आपने अभी डाउनलोड की है, जो आपने सेटअप डाउनलोड किया है, उसकी फाइलों को एक्सट्रैक्ट किया जाए। आप ऊपर देखें तो एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स लिखा हुआ है, तो पहले फाइलों को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। जितनी भी फाइलें इस एप्लीकेशन के अंदर या इस सेटअप के अंदर जितनी भी फाइलें थी, उन सभी फाइलों को पहले तो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद में वो सभी फाइलें यहाँ पर एक एक करके इंस्टॉल की जाएंगी आपके इसी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम ही आपका नहीं लगता है, मुश्किल से 20 या 25 या 30 सेकेंड लगते हैं इस इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में। तो यहाँ पर जैसे ही आपकी पट्टी आप देखें तो यहाँ पर पूरी हो चुकी है और एक शॉर्टकट है वो आपका यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है। साथ ही साथ आपकी फाइलें जो हैं इसमें जितनी भी थी वो सभी रजिस्टर की जा रही हैं सर्वर के साथ में। तो आपको यहाँ पर अपने इंटरनेट जो कनेक्शन है उसको भी ऑन रखना है सिग्नेचर को वैलिडेट करते समय। तो यहाँ आप देखें सेट फॉक्सिट रीडर एज द डिफ़ॉल्ट पीडीएफ व्यूअर। तो यहाँ पर ये जो फॉक्सिट रीडर अभी आपने इंस्टॉल किया है, इसको आप डिफ़ॉल्ट रूप में सेट कर सकते हैं पीडीएफ रीडर, मतलब पीडीएफ जो आपकी फाइलें जितनी भी हों वो ऑटोमेटिक जैसे उनको आप क्लिक करें तो सभी पीडीएफ फाइलें आपकी फॉक्सिट रीडर में ही खुलें। तो इस तरह की सेटिंग को करने के लिए बोला है, आप चाहें तो इसको करिएगा, अदरवाइज यदि आप न चाहें तो इसको आप थोड़ा सा वेट करिए। थोड़ा सा वेट करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से काउंट इंस्टॉलेशन डॉट ई एक्स ई हैज स्टॉप वर्किंग। यहाँ पर आपको चेक क्लोज द प्रोग्राम पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका जो इंस्टॉलेशन है यहाँ पर ये रुक जाएगा। और इसके बाद में फॉक्सिट रीडर क्रिएटर, तो ये आपका लॉन्च फॉक्सिट रीडर को आपको अनटिक कर देना है। उसके बाद में आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। जब आप देखेंगे
कि आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आपकी जितनी भी पीडीएफ फाइल पड़ी हुई थी वो सभी पीडीएफ फाइल का लोगो यहाँ पर चेंज हो चुका है, जो कि आपके पीडीएफ के रूप में चेंज हो चुका है और एक फॉक्सिट रीडर एप्लीकेशन का यहाँ पर लोगो आ चुका है। तो चलिए हम फिर से अपनी वही मार्कशीट को यहाँ पर ओपन करते हैं जो मैंने मार्कशीट को अभी ओपन किया था। इस पर मैं डबल क्लिक यहाँ पर कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो मार्कशीट थी वही मार्कशीट यहाँ पर फिर से ओपन होकर के आ चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर लिख करके आ रहा है। ट्रस्टेड सर्टिफिकेट विच इम्प्रूव योर एक्सपीरियंस विच साइन डॉक्यूमेंट आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल देम। आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर है थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग, इसको रजिस्टर करने के लिए बोला है, इसको नॉट नाउ कर दीजिएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है वो ऑनलाइन की बाई करनी होती है, तो इसको आपको सिर्फ यूज करना है कुछ समय के लिए। उसके बाद में आप इसको नीचे स्क्रॉल करना है मार्कशीट को, और यहाँ पर आप देखें तो ये जो सिग्नेचर था ये अभी तक अननोन ही दिखा रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सिग्नेचर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। जो प्रोसेस वहाँ पर आपने फॉलो किया था वही प्रोसेस यहाँ पर है। अब यहाँ पर ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लोज करना है। फिर से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखेंगे इसको कैंसिल कर देंगे, आप देखेंगे यहाँ पर सिग्नेचर वैलिडेट हो चुका है। तो दोस्तों सिग्नेचर को वैलिडेट करने के लिए एप्लीकेशन तो बहुत से हैं, फॉक्सिट रीडर है जो कि नंबर टॉप का पीडीएफ व्यूअर है, लेकिन यदि आपको सिग्नेचर वैलिडेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप फॉक्सिट रीडर का ही यूज करें। इसमें आप किसी भी प्रकार के सिग्नेचर या किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट, किसी भी प्रकार के पीडीएफ फाइल को, या यूँ कहें किसी भी आप सिग्नेचर को, किसी भी फर्म का सिग्नेचर हो उसको आप इसमें बहुत ही आसानी से बिना कोई झिकझिक किए इसमें बहुत ही आसानी से आप इसको सिग्नेचर को वैलिडेट कर पाएंगे। तो अब आपको हम बताते हैं कि आपको फॉक्सिट रीडर किस तरह से डाउनलोड करना है और उसको किस तरह से आपको, कहां से आपको ये फॉक्सिट रीडर मिलेगा। तो इसके लिए चलिए हम आपको ब्राउज़र पर लेकर चलते हैं। ब्राउज़र में आने के बाद यहां पर आपको प्लस के निशान पर क्लिक करना है और आपको एक न्यू विंडो यहां पर या न्यू टैब आपको यहां पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहां पर क्लिक करना है फॉक्सिट रीडर। ओके आपको टाइप करना है फॉक्सिट रीडर। जैसे ही आप फॉक्सिट रीडर आप टाइप करेंगे उसके बाद आपके इसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप ऊपर देखेंगे फ्री पीडीएफ रीडर एंड पीडीएफ व्यूअर डाउनलोड फॉक्सिट सॉफ्टवेयर, इसी लिंक पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जब आप यहां पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास पीडीएफ जो रीडर है फॉक्सिट का होम पेज यहां पर ओपन होकर के आ चुका है। इसको आपको यहाँ पर ओके कर देना है। नीचे आप आएंगे, लिखा हुआ है फ्री फॉक्सिट रीडर डाउनलोड, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। ओके तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है फ्री फॉक्सिट रीडर डाउनलोड, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। अब आपको यहाँ पर चुनना है अपना विंडो। तो आपके पास कौन सा विंडो है, मैक ओएस है, लिनक्स है, लिनक्स 64 है, या ये दोस्तों यहाँ पर आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ही होगा, तो ये विंडो है तो विंडो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अब आपको फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आप थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास एक नया पेज ओपन होकर के आ चुका है, या कहें कि एक न्यू पेज जो कि आपके पास डाउनलोडिंग के रूप में आएगा वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देखें आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर वेट ही करना है, ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास डाउनलोडिंग के लिए आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, जो कि फाइल हमारी है 67 MB की है, तो ये फाइल हमारी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में तरीका बताया था। तो इस तरीके से आप इसे बहुत ही आसानी से फॉक्सिट रीडर का यूज करके किसी भी तरह के आप सिग्नेचर को वैलिडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करें अच्छा सा और हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो अच्छा से कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ये चैनल पर नए हैं और इसी तरह के और भी वीडियो पाते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटे के आइकन को इसलिए दबाएं जिससे कि मैं अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।